जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं मैस्ट्रोल साइकिल या MC, उसका जो फेजेस होती हैं या उसे जो डिवाइड किया जा सकता है, उनको कितनी फेज में डिवाइड कर सकते हैं और उसमें कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं और कब कब कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और कहाँ से रिलीज होते हैं, उनका काम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपको परेशान करता है या 12th के जो या नीट के जो स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत परेशान करता है। देखिए, जो फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है यानी कि जो पीरियड होता है वो 28 दिन का होता है। तो हम पहले तो सबसे पहले हम 28 दिन करेंगे पूरे। ये सपोज़ करिए इसमें हमें 28 दिन पूरे करने हैं। ये शुरुआत करिए 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28, इसे हटा देते हैं क्योंकि 28 दिन के बाद तो फिर से एक मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से ऑपरेट हो जाती है। आपको पता ही है फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है हर 28 दिन के बाद रिपीट होती है। तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो शुरुआत का जो पीरियड है, जो ये शुरुआत का पीरियड, इसको आप क्या बोलते हैं, शुरू से जो जो पहले दिन से लेकर के हम पहले दिन किसको मानते हैं, जब सीक्रेटरी फेज होती है, ब्लीडिंग फेज होती है, जिसमें ब्लीडिंग होती है फीमेल्स को, तो वो कितने दिन की होती है, ये 5 दिन की होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो फेज़ है उसे हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज, ठीक है। उसके बाद जब ब्लीडिंग हो गई, इसका मतलब ये हुआ फीमेल के अंदर जो ओवा था वो रप्चर होकर के टूट गया और जितना यूट्रस का जितना भी ब्लड था वो सारा बाहर निकल गया है। अब फीमेल को दोबारा अपना ओवा बनाना है, यानी कि पाँचवें यानी कि छठे दिन से फिर से शुरू हो जाएगा एक नए ओवा का बनने का जो प्रोसेस है वो। तो पाँचवें दिन से लेकर के 13 दिन तक एक नया ओवा बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फोलिकुलर फेज। जब 13वें दिन तक ओवा पूरी तरह से बन चुका होता है तो 14th डे उसे बाहर निकलना होता है, 14th डे, इसको बोलते हैं हम ओव्यूलेटरी फेज। और जब ओवा बाहर आ जाता है ओवरी से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में, उसके बाद का जो पीरियड होता है यानी कि 15 से लेकर के 28 तक, इसको बोलते हैं हम ल्यूटियल फेज, ठीक है। ये तो हो गए फेज आपके 4 फेज। अब इसमें हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कब कौन सा हार्मोन इंक्रीज करता है। और इसमें ये बुक में जो आपको ग्राफ दिया जाता है वो थोड़ा प्रॉब्लम होती है समझने में लोगों को या बनाने में या कुछ करने में, इनके हिसाब से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देखो, ब्लीडिंग फेज को आप छोड़ दीजिए, उसमें कोई हार्मोन इन्वॉल्व नहीं हुआ है। अब 6 से लेकर के 13वें दिन तक, अब क्योंकि ब्लीडिंग फेज में कोई कुछ रहा नहीं अंदर, तो उसके बाद नया ओवा बनना है। नया ओवा बनने के लिए क्या चाहिए, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओवा है उनको फोलिकल बोलते हैं, उन फोलिकल को स्टिमुलेट करके एक नया ओवा बनाना है। तो उसके लिए जो हार्मोन आता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये पिट्यूटरी से निकलता है। लेकिन पिट्यूटरी को भी स्टिमुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है कौन, FSHRH। मींस पूरा क्या होता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर भी लिख लिया, कभी कभी इसको मिलता है देखने में, RF लिखते हैं। तो ये हार्मोन जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उसके बाद पिट्यूटरी निकालती है FSH, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ FSH ये छठे दिन से शुरू हो जाएगा, ठीक है, छठे दिन से शुरू हो जाएगा और ये कंटिन्यू जो बढ़ा हुआ था जब तक ओवा नहीं बनता, क्योंकि FSH का जो काम था फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि फोलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है, यानी कि एक जो ग्रेफियन फोलिकल है जो है ओवा है फीमेल में उसको बनाने का काम कर रहा है, क्योंकि वो 13 डे तक कंप्लीट बन चुका होता है, इसलिए उसका हार्मोन का स्तर या हार्मोन का जो लेवल है वहीं तक रहता है। देखो 13 डे तक उसका लेवल ठीक रहा, उसके बाद उसका डाउन हो गया। तो ये क्या है, ये हो गया FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जब फोलिकल जो होता है, जब फोलिकल बनना लगता है तो फोलिकल भी अपने अंदर से एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन।
तो इसका मतलब इसी के साथ साथ दूसरे हिस्से ले रहे हैं, इसी के साथ साथ फोलिकल जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा, फोलिकल जब थोड़ा सा मैच्योर हुआ यानी कि जब FSH बढ़ा तो फोलिकल बनना शुरू हुआ, जब फोलिकल बन गया अच्छे से तब फोलिकल से निकलना शुरू होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, और वो भी 13th डे तक कंटिन्यू रहता है। तो ये रेड वाली लाइन क्या हो गई, एस्ट्रोजन। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन आपको पता चल गया होगा क्या करना है। एस्ट्रोजन को आपको छठे दिन से अप नहीं करना है, छठे दिन से ओवा बनना शुरू हुआ है लगभग 8-9 दिन में, या 8वें 9वें दिन जो है, 8वें 9वें दिन जब ओवा थोड़ा सा बन गया उसके बाद उसके अंदर से ओवा निकलना शुरू हो जाए, उसके अंदर से एस्ट्रोजन निकलना शुरू हो जाए, यानी कि 8वें 9वें दिन के बाद आपको एस्ट्रोजन का पीक बढ़ाना है और ओवुलेशन से पहले उसको ख़त्म करना है। ओवुलेशन होता है 14th डे, तो 8वें 9वें और 14वें के बीच में इसको बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से जो मैंने FSH बताया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाना, फॉलिकल को स्टिमुलेट करके बनाना, फॉलिकल बनना शुरू हो जाता है छठे दिन से, क्योंकि 5वें दिन तक ओवरी से या यूट्रस से सारा कंटेंट बनेगा, छठे दिन से बनना शुरू हो जाता है, इसलिए छठे दिन ही FSH का लेवल बढ़ जाएगा और वो पूरी तरीके से बन चुका होता है 13th डे तक, इसलिए उसका लेवल 13th डे तक रखोगे उसके बाद डाउन कर दोगे। जब ओवा रिलीज होता है तो ओवा जो रिलीज होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से होता है। ये भी पिट्यूटरी से निकलता है, कौन, LH, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 14th डे रिलीज होता है, सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में ओवा रिलीज होता है, किसकी हेल्प से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की हेल्प से। तो इसका मतलब 14th डे कौन सा हार्मोन बढ़ेगा, LH। ये 14th डे जो आपकी लाइन आई है, ये सिर्फ देखो कहाँ बढ़ रही है, 14th डे पे बढ़ रही है। 14th डे पर अगर सिर्फ एक आपको सिर्फ 14th डे के ऊपर ही आपको एक पीक दिखाई दे रही थी, और समझ लीजिए वो क्या है, वो है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद जैसे ही ओवरी के अंदर से ओवा निकल चुका है, यहाँ पे ओवा बाहर आ गया है, ये आ गया ओवा, ठीक है, और कौन सी स्टेज में, सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में ये बाहर आता है। अभी पूरी तरह से ओवा नहीं बनता, पूरी तरह से ओवा जो मैच्योर होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है ना, ओवा अभी नहीं कह सकते, फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवा बनेगा। जब ओवा बाहर निकल जाता है तो ओवा का जो कवर होता है ग्राफियन फोलिकल, वो यू उसके क्या बोलते हैं, ओवरी के अंदर ही बच गया। मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये मान लो ओवरी है, यहाँ पे ये बहुत सारे क्या थे, छोटे छोटे ओवा, अब यहाँ से ये बनने शुरू होते हैं, देखो यहाँ से छठे दिन से ये बनने शुरू होते हैं और 13th डे तक ये बनते चले जाते हैं, इस तरह से ये बन जाएगा, ये आ गया अंदर ओवा, ठीक है, ये पूरा हम क्या बोलते हैं इसको, ग्राफियन फोलिकल, ये पूरा ग्राफियन फोलिकल है जिसके अंदर ये सेकेंडरी ओसाइट स्टेज है। तो इसके अंदर से ये ओवा आ गया है बाहर, देखो, ठीक है, जब ये ओवा बाहर आया कौन से दिन, 14th डे बाहर आ गया सेकेंडरी ओसाइट स्टेज, तो अंदर क्या बच गया, ये कवर बच गया इसका, इस कवर को क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करना, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम है कि आपकी जो फीमेल के अंदर जो यूट्रस में एंडोमेट्रियम है, जो ब्लड की लाइनिंग है, उसको बना के रखेगा और इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। अगर जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट को वहाँ अटैच करके रखता है, जिसकी वजह से अच्छी तरह से नरिशमेंट मिलता है और प्रेगनेंसी हो जाती है, कंसीव हो जाती है। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, तो याद रखना जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा तो उसका अटैचमेंट वहाँ से टूट जाएगा, जिसकी वजह से मिसकैरिएज होता है बहुत सारे लोगों को। तो मिसकैरिएज का चांस जो होता है वो इसी की वजह होती है, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ख़त्म हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ख़त्म हो जाएगा तो जो जाइगोट यूट्रस की दीवार से चिपका हुआ था वो चिपक नहीं पाएगा और उसको नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा, नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा तो वो डिजनरेट होकर के वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो मिसकैरिएज का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है, एक कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ना आना। तो देखो क्योंकि यहाँ पे ओवा बाहर आ गया है फीमेल की बॉडी के अंदर, तो हो सकता है फीमेल बॉडी कंसीव कर सकती है, उसके साथ कोपुलेट सेक्स हो सकता है, तो इसीलिए बॉडी क्या निकालती है वहाँ से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसका मतलब 14th डे
मैं ओवा बाहर निकला 14th डे के बाद, ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, ये निकाल लेगा प्रोजेस्टेरोन ऑर्गन। यानी कि 14 दिन के बाद अगर कोई बड़ा हुआ है, 14वां दिन के बाद जो लाइन बढ़ी हुई मिलेगी वो किसकी मिलेगी? प्रोजेस्टेरोन लेवल की। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिर से एक लाइन ले आइए और ये ले जाइए। 14 दिन के बाद देखो अगर कोई लाइन बढ़ी हुई मिल रही है आपको, तो इसका मतलब ये प्रोजेस्टेरोन ही है। प्रोजेस्टेरोन, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा 14 दिन के बाद कोई पीक है तो प्रोजेस्टेरोन, 14th डे पे ये एक्चुअल तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, 14th डे से पहले अगर दोनों उभरी हुई है तो एक FSH होगी, एक एस्ट्रोजन होगी। जो ज़्यादा उभरी हुई मिलेगी वो FSH की होगी क्योंकि वो 6ठे दिन से ही काम करती है, लेकिन जो एस्ट्रोजन है वो 8वें दिन या 9वें दिन के बाद काम करती है, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा इस तरह से। 4 फेज होती है, ब्लीडिंग फेज, फॉलिकुलर फेज जिसमें फॉलिकल बनेगा, जिसमें बाहर निकलेगा, ओविलेटरी फेज, ओविलेशन के बाद एंडोमेट्रियम जो यूट्रस के अंदर की दीवार है उनमें ब्लड इकट्ठा कर दिया जाएगा। हो सकता है प्रेगनेंसी हो जाए तो उसको नरिशमेंट चाहिएगा, उसके लिए वहाँ पे ब्लड को एक्यूमुलेट करते हैं, तो वो होती है ल्यूटियल फेज। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो और ओवा वहाँ जो था वो 72 आवर्स के बाद इंतज़ार करने के बाद स्पर्म का, वो वहाँ से टूट जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा और यूट्रस के अंदर की जितनी भी लाइनिंग में ब्लड इकट्ठा किया हुआ था वो ब्लड और वो ओवा जो था अंदर वो भी टूट जाएगा, और टूट करके वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, जिसे आप ब्लीडिंग बोलते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं या MC बोलते हैं। इसीलिए 28 दिन के बाद फिर से ब्लीडिंग फेज आ जाती है, यहाँ ब्लीडिंग होगी, फिर से क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग हो गई, ख़त्म हो गई, बॉडी के अंदर कुछ नहीं बचा, फिर अगले महीने फिर से बॉडी तैयार करती है अपने आप को, एक फॉलिकल और बनाओ। तो इस तरह से फॉलिकल बनाने का काम 13-14 साल की उम्र से शुरू हो जाता है फीमेल्स में, और लगभग जो एवरेज होता है 45 ईयर्स की एज तक ही चलता रहता है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है फीमेल्स में, जिसको आप मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोनल कंट्रोल या रेगुलेशन था मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो आपको शायद हेल्प कर सकता है। इसी तरह की वीडियो आप देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, करें यार प्लीज़। पैसे तो लग नहीं रहे, तो आपका एक टिक कम से कम किसी को स्टैंड करवा सकता है, प्लीज़ करिए।